लोअर बागडोगरा ग्राम पंचायत अंतर्गत पड़ने वाली बागडोगरा के कॉलेज पारा की पूरी बलासन कॉलोनी में इन दिनों लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी में एंट्री के समय ही रास्ता खराब होकर कीचड़ कीचड़ हो गया है, जिससे आना जाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। रास्ते से आगे चलकर एक स्कूल है। इस रास्ते की वजह से स्कूली बच्चे काफी परेशान हैं, क्योंकि स्कूल के कई अभिभावकों ने यह आरोप लगाया कि रास्ते की खराबी की वजह से वे कई बार अपने बच्चों के साथ इस रास्ते पर गिर चुके हैं। एक दो टोटो भी स्कूल के इस रास्ते पर बच्चों के साथ गिर चुका है। साथ ही साथ रास्ते से स्कूल तक पहुंचना काफी कठिन हो जाता है। बारिश की वजह से रास्ता पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है और रास्ते के पास कोई जगह ही नहीं जिससे वह आसानी से सुरक्षित तरीके से वह स्कूल तक पहुंच पाए। इन सभी समस्याओं को लेकर स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स ने इन समस्याओं पर स्थानीय प्रशासन को देखने को कहा और उनका अनुरोध है कि यह समस्या जल्द से जल्द ठीक करे, ताकि बच्चे सुरक्षित स्कूल जाना आना कर सके। हालांकि स्थानीय कुछ लोगों ने भी इस समस्या को लेकर अपने आपत्ति जताते हुए यह बताया कि यह रास्ता हर वर्ष बारिश के समय पर पूरी तरीके से जर्जर हो जाती है। कॉलोनी से मुख्य सड़क तक जाने में काफी दिक्कत होती है। कई बार कुछ बुजुर्ग भी स्लिप होकर गिर जाते हैं। कई बार बच्चे भी स्कूल जाते वक्त इसी रास्ते की वजह से गिर जाने के बाद वो काफी गंदे हो जाते हैं। हर दिन इस तरह की सिचुएशन होने की वजह से यहाँ एक बड़ी दुर्घटना होने की चांसेस है। अवस्था हमने डेली आशी बच्चा नहीं है, एक दिन पड़े हो गई कुकुर है, कुकुर पायखाना करे। देखें ना अपने अपनारा सबाई देखें हमें एखे क्यों आसि को जगह पा दबार जगह कोना दिए आसि एकदिगे छाता बैग बच्चा क्यों आसबो। रास्ता का हालत तो आप लोग देख ही रहे हैं, बारिश का मौसम में ऐसा है। पंचायत वगैरह कोई भी सरकार भी कुछ भी नहीं कर रहा है। बच्चों को लेके इतना प्रॉब्लम होता है आने जाने में, लोकेलिटी का इंसान लोग ही प्रॉब्लम हो रहा है। स्कूल में मैम लोग को बोले हैं, मैम लोग बोले हम लोग बोलते बोलते थक गए हैं, आप लोग गार्जियन मिलकर भी कुछ कीजिए। आप खुद देखिए ऐसा परिस्थिति है, अगर कोई फिसल भी गया बच्चा भी गिरेगा, बच्चा का गार्जियन भी गिरेगा, प्रॉब्लम तो सबको ही है। रोड बनाने के लिए कब का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी नहीं किया है, कुछ ना कुछ तो फैसला इसका करना ही पड़ेगा। अब स्कूल तो डेली बंद नहीं रख सकते हैं ना, बच्चों का स्कूल तक आना ही पड़ेगा। एक दिन दो दिन तीन दिन प्रॉब्लम हो सकता है, पर डेली अगर ऐसा ही परिस्थिति रहा तो हम लोग बच्चे को लेके कैसे स्कूल आएंगे। टोटो नीचे नहीं आ सकता है, बाइक का चक्का अंदर स्किप हो जा रहा है, स्कूटी लेके आने में मुश्किल होता है, सबको ही प्रॉब्लम हो रहा है। प्रशासन को तो इसको देखना चाहिए। खूब बाजे अवस्था रास्ता, आपने एक प्रशासन के देखा उचित, कारण এখানে রাস্তার মধ্যে জল প্লাস হলো একটা ইয়েও ঢোকে না, টোটো ঢোকে না। এখানে খুব বাজে বেহাল অবস্থা, ড্রেনের জল বাইরে চলে আসছে আর প্রচন্ড রাস্তার মধ্যে নোংরা, মশা, বাচ্চাদেরকে নিয়ে এইসব জায়গায় আসাটা খুব বিপজ্জনক। এরপরে তো মশার উপদ্রবটা এত বেড়েছে যে বাচ্চাদের কোনো অসুখ বিসুখ করবে, এতটাই নোংরা রাস্তা এখানকার। देखिए प्रशासन को तो हमने बोला हुआ है, काफ़ी बार कंप्लेन भी किया है, प्रशासन की तरफ से हमें बोला भी गया है कि रास्ता बन जाएगा, उन्होंने आश्वासन तो दिया है। पर अभी बारिश के वक्त हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, अभी पेरेंट्स की तरफ से बहुत कंप्लेंट्स आ रही है। रिसेंटली अभी एक टोटो भी गिर गया था, एक स्कूटी लेके एक पेरेंट्स भी बच्चा लेके गिर गए थे, तो ये इशूज़ बहुत आ रहे हैं। अब हम तो प्रशासन पर निर्भर हैं, उन्होंने तो कहा है कि हो जाएगा, काम हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा, देखते हैं कब तक बनता है। जी मैं किडी स्कॉलर्स प्री स्कूल की स्कूल हेड हूँ, मेरा नाम सीमा रॉय है।